आमिर खान को बॉलीवुड का मिस्टर परफेक्शनिस्ट कहा जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि वो एक्टिंग से लेकर अपनी फिल्मों की मार्केटिंग तक सब कुछ पूरे परफेक्शन के साथ करते हैं। आमिर खान की आखिरी फिल्म दंगल न सिर्फ भारत में बल्कि चीन और हांगकांग जैसे देशों में भी सुपरहिट साबित हुई है। आमिर खान कई मामलों में अपने प्रतिद्वंदियों जैसे शाहरुख, सलमान और अक्षय कुमार से आगे हैं, लेकिन अब जो आमिर करने जा रहे हैं उसका मुकाबला करना बॉलीवुड के किसी भी हीरो के लिए बड़ा मुश्किल होगा। आमिर एक शानदार एक्टर और कामयाब निर्माता तो है ही, लेकिन अब वो डिस्ट्रीब्यूटर भी बनने वाले हैं। खबरों के मुताबिक आमिर अपने प्रोडक्शन हाउस आमिर खान प्रोडक्शन के जरिए अपनी फिल्मों का वितरण भी करना चाहते हैं। आमिर ने इस दिशा में काम करना शुरू भी कर दिया है। जाहिर है अगर आमिर फिल्मों का वितरण खुद करेंगे तो उन्हें इससे काफी मुनाफा होगा, क्योंकि ऐसे में उन्हें प्रॉफिट शेयर नहीं करना होगा। आमिर खान आने वाली फिल्म सीक्रेट सुपरस्टार की डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स जी स्टूडियो के पास है, तो ठग्स ऑफ हिंदुस्तान का डिस्ट्रीब्यूटर यशराज फिल्म्स है। ऐसे में मुमकिन है कि आमिर भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा पर बन रही बायोपिक के वितरण का जिम्मा खुद उठा लें और डिस्ट्रीब्यूशन की दुनिया में कदम रख दें। अगर आमिर ऐसा करते हैं तो इससे बॉलीवुड में एक नया ट्रेंड शुरू हो सकता है।